तो so, आपकी ये कहानी माशाल्लाह से इस वक्त बिल्कुल राइट इन टाइम है तो वही कि अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेस्ट है सेकेंड uh, मैंने नादिया से सब परमिशन ले ली थी कि हम इस पर बात करेंगे एंड मकसद ये मैं तो खुद मेरी आँखों में आंसू आ रहे हैं जब आपकी कहानी सुन रही हूँ बिकॉज आई थिंक हम सबको उम्मीद चाहिए ज़िंदगी में हम सबको uh, एक अच्छी यू नो इंस्पायरिंग रियल Real, रियलिस्टिक कहानी चाहिए ये स्टोरी सामने हो कि हमें दोबारा यकीन आना शुरू हो जाए ज़िंदगी पे और यू नो मोहब्बत पे या अल्लाह पे यू नो राब सॉरी मैं तो भाई बात कर रही हूँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम जब कोई भी चीज़ होती है कोई भी रिश्ता कायम होता है किसी नए कपल की शादी होती है चाहे उनकी एज सात की हो लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो हमारे इतना सोसाइटल प्रेशर होता है कि ये कामयाब होनी चाहिए आपस में भी दो लोग नए होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि ये तो बस अब शादी होगी अब जिंदगी चलनी है और यही मौत है और यही सब कुछ है नहीं यू नीड टू गिव दम स्पेस यू नीड टू गिव इच अदर स्पेस बिकॉज इस तरह मैं और तुम तो मिलते हैं बट अगर हम लोग इकट्ठे रह रहे होंगे तो बहुत डिफरेंट होता है बहुत डिफरेंट होता है आप एक इंसान के साथ सुबह उठ रहे हो बाथरूम जाना है खाना है उठना है घर किस तरह रखते हैं दो लोग बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं है। एक एसी ज़्यादा चलाने वाला होता <laughs> है एक पंखा कम चलाने वाला होता है कोई सुबह का इंसान होता है <laughs> कोई रात भर जागने वाला होता है तो जिंदगी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है <laughs> आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है तो तो कहानी शुरू से सुनना चाहता है अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि आपने मैंने सोचा था ऊपर पर लेकिन अब आपने इतनी अच्छी मुझे वो मैं तो वैसी

सो जोडी वॉज इन रोजन एंड ही वॉज बड़ा म्यूजिक वगैरह भी करता था बड़ी उनकी फिल्म कोई एक थी वो महेश भट्ट की वो हिट भी हुई थी उसमें जोडी का भी थी ओके सो ही वॉज इन रोजन एंड ही वॉज इन दूटी ड्रामेटिक्स क्लब तो सरमद का एक प्ले था तमाशा घर अजब yeah. हाँ तमाशा घर yeah, yeah. और उसमें जोडी ने एक्टिंग की थी बिकॉज जोडी एंड उमर वाइन इसका बेस्ट फ्रेंड था hmm. इनको ने यूटी ड्रामेटिक्स में कहीं देखा था कॉल्ड कॉल न्यूज बच्चा

सो so, हम लोगों ने वहाँ पे काम किया फिर इस्लामाबाद में अलॉट ऑफ़ चिल्ड्रन वुड मूव टू हॉस्पिटल्स इस्लाम आबाद mm -hmm. फेम्स वगैरह तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठे काम करे थे यू नो ही वुड प्लेस गिटार हम लोग स्टोरीज mm -hmm. करते थे और भी फ्रेंड्स yeah. थे एक्टर्स बच्चों को खुश रखने के लिए बिकॉज mm -hmm. बच्चे इतने ट्रामेटाइज थे दैट हैपन एंड देन इन लाहौर इसी तरह सरमद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सो so इस तरह मिला एंड जोडी काइंड ऑफ सैडेड टू सरमद के यू नो के आई लाइक ना So, you wow. know, and then Salman ने मुझे बोला मैंने कहा कि अच्छा उस वक्त जोड़ी was in a band. Not... आपको शॉक नहीं लगा कि मुझसे छोटे और मुझसे बोल रहे नहीं, नहीं, नहीं कुछ ऐसा लगा नहीं है। like, Okay, because we were so like good friends. And But अभी तो वो बोल रहे हैं कि आपको पसंद कर हाँ, रहे हैं। हाँ, तो I was I was like okay मैंने कहा अच्छा ठीक है, that's good. बहुत लोग करते <laughs> अच्छा आपने कहा मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं ये भी एक लाइन है बट देन आई रियलाइज दैट यू नो ही इज जेन्युइनली अ नाइस पर्सन एंड देन किसी ने एंड आई वाज वेरी डन विद

जब किसी बात की ठान लेता है तो फिर वो अपने खुद के भी नहीं झुलता सो वो उसने यू नो हिज नो आई वांट टू स्टडी तो फिर वी वेंट वी गॉट फॉर्म्स फॉर हिज लाइक बीए का वो देना होता है एग्जाम टू गेट एडमिशन इन एमबीए सो प्राइवेटली ही डिड दैट देन ही डिड हिज एमबीए एंड देन ही आफ्टर अ ईयर ऑफ नॉट फाइंडिंग एनीथिंग फाउंड हिज जॉब But, uh, and I was there with him. लेकिन आई एम नॉट इन माई लाइफ की जिंदगी टाइम ता, मेरे पास मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती कि अब एक बंदे के बारे में सोचो और साल गुजारो और फिर सोचो अब मैंने कहा भाई मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अगर मैंने किसी के साथ रहना है तो मैंने hmm. सीधी सीधी शादी करनी है तो तुम्हें समझ में आता तो तुम बता दो और तुम्हें नहीं आता तो आई सो यू प्रपोज टू टू हिम यू नो आई सेड कि ये दिस दिस इज इज ऑन द प्लेट मैं ये रिलेशनशिप huh. हो सोचो huh. प्यार मोहब्बत साल गुजर huh. के खाना खाने huh. जा रहे हैं मैंने कहा टाइम मैं <laughs> मैंने वेस्ट <laughs> करती भाई मेरी जिंदगी तो ही ही आई एम गुड फॉर इट या आई वॉन्ट टू बिकॉज दैट इज वॉट आई वॉट आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट एंड आई अंडरस्टैंड आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन माई लाइफ

एक बड़ी उम्र का मर्द एक छोटी लड़की से शादी कर लेता है वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है लेकिन एक बड़ी औरत एक छोटी उम्र के मर्द से शादी करे ये सोसाइटी उसको थोड़ा सा देखती है। तो मुझे मुझे क्यों 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 देखती है है तो इसलिए मुझे मुझे थोड़ी क्यों अब आए हैं कुछ साल पहले पाकिस्तान सो इन सऊदी अरेबिया एंड They 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 did did not not object object. on it. it it understood and accepted because when our religion religion gives us this permission, yeah, exactly. आप, आप religion ko challenge hmm. nahi hmm. kar नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसी बातों पे, अपनी सोसाइटी जो भी हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है आप इन बातों hmm. के ऊपर आके कैसे हर चीज में तो हम इस्लाम को लेकर आते हैं hmm. और जहाँ लाना है वहाँ hmm. पे आप नहीं लाते हो yeah. इस्लाम तो इज लाइक अ वेरी ओपन रिलीजन इज सो वास्ट कि अगर आप पढ़ना शुरू करें hmm. तो आपको हर चीज़ का रीज़न मिलता है आपको हर चीज़ की लॉजिक मिलती है hmm. और आपको समझ में आती है अच्छा ये इसलिए कहा गया था एंड वैन वैन आप कहते हो कि हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हैम

जो लोग सुन रहे हैं शायद उनकी सोच में भी चेंज आए जो डर रहे हैं इसको करते हुए मुझे इसलिए कंसर्न नहीं आया था क्योंकि एक तो मुझे इंसान का पता था कि ये okay. अच्छा इंसान है और okay. मुझे था कि दूसरा मैं क्योंकि बिलीव करती हूँ कि जो होना है वो होना है okay. अगर ये नहीं वर्कआउट करता खुदा ना खास्ता तो वो फिर मेरे लिए वही लिखा था और उसमें भी मेरी कोई बेहतरी होती इट हैज़ वर्कड आउट अलहमदुल्ला तो उसमें मेरी बेहतरी है हाँ मुझे डर लगा था इस चीज का कि फिर कहीं चार साल में अपनी जिंदगी खर्च करूं तो ये ना और चांसेस वर मोर बिकॉज हमारे जहन के अंदर डाला नॉट बिकॉज कि ऐसा था बट क्योंकि ये हमारे डाला कि ये चीज़ ऐसे होगी ना hmm. तो क्योंकि तुम बड़ी होगी वो छोटा होगा तो उसको कोई और पसंद आ जाएगी yeah. नहीं जो साथ के होते हैं हो, उनको भी कोई और पसंद आ जाए exactly, बड़े होते हैं उनको भी कोई yeah. बात ही होती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो फिर आप कहीं और नहीं देखते